नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पुलिसिया कार्यवाही के विरोध में आरोपी के परिजन ने एडिशनल एसपी के सामने पुलिस सहित स्थानीय नेताओं पर संगीन आरोप लगाए हैं। वहीं एडिशनल एसपी ने गिरफ्तार आरोपियों के परिजन के आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि मोहनलाल तिवारी उर्फ मोहन सोहगौरा पिता राम निवास सोहगौरा निवासी गोढ़हर थाना चौरहट्टा को गत दिवस पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये पुतियाई जो है जो पूजन नानक से पैसा खा लिया है और हमारे पति को हमारे बेटे को ये जेल भिजवाए है। ये अभिषेक लगवाए, राजेश शुक्ला का फोन आया था, राजेश शुक्ला का फोन आते के पास हमें पता है, पीए बताया है कि इसके पास फोन आया था कि उसके खिलाफ करो। ये पीछे पड़े थे, एक ब्राह्मण कमा रहा था, एक ब्राह्मण नौ रोटी खा रहा था, इनको क्या पति? ये बहुत सत्यवान है, ये कभी घोष नहीं लिया है, शिव पूजन घोष ही है 40 साल से। अगर ये एक मामला है जो चौरहट्टा थाने के अंतर्गत आता है, जिसमें एक काकवानी परिवार की जमीन है, उसके सामने एक सगोरा ढाबा बना हुआ है जिस पर से ये विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच में विवाद था, जो बताते हैं कि अभी न्यायालय में है तहसील। और इसके बाद क्या हुआ कि सगोरा ढाबा वाला कुछ पक्का निर्माण कर रहा था, उस ढाबे के अंदर से जानकारी लगी थी चोरी छुपे कर रहा, व्यापारी के द्वारा बताया गया। तो उसने तहसीलदार के यहाँ आवेदन दे के स्टे ले लिया निर्माण पर, और स्टे की तामिली पुलिस और रेवेन्यू के अधिकारी के द्वारा करा दी गई मौके पर जाके दूसरी पार्टी को। उसके बाद भी सगोरा ढाबा वाले खुद और उसका बेटा दोनों उसका निर्माण कर रहे थे, पुलिस ने जाके पुनः उनको रोका। उसके बाद भी उनके द्वारा कार नहीं रोका गया, तहसील में पुनः उनको खबर कराई गई कि स्टे है उसमें और कार को ना करें अभी। इसके बावजूद भी उसके द्वारा लगातार कार किया जा रहा था, परसों रात्रि में कार कर रहा था, पुलिस के द्वारा रोका गया गश्त के दौरान। उसके बाद कल सुबह सुबह उस व्यापारी ने अपने मजदूरों को, क्योंकि व्यापारी जो था वो थोड़ा सा डरता था क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उसका जो सगोरा है पिता उसके विरुद्ध 42 अपराध हैं और उसका जो लड़का है गुंडा प्रवृत्ति का उसके विरुद्ध 10 अपराध, दोनों के जिला उधर कलेक्ट्रेट में प्रस्तुत भी किए जा चुके हैं पुलिस के द्वारा। और इस कारण से व्यापारी थोड़ा सा अपने एक मजदूर को लेकर पहुंचा था वहाँ, जहाँ उस मजदूर के साथ और व्यापारी के साथ उसके लड़के और उसके द्वारा मारपीट की गई। उसकी रिपोर्ट थाने में पहुंची, पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया और उस दोनों पक्षों को पकड़ के थाने लेके आया गया। उसके बाद देखा गया कि वो रिपोर्ट कर रहा था कि ऐसा ऐसा मसला था और जानकारी पुलिस को हो गई थी कि निर्माण कर रहा था। उसके बाद पुलिस के द्वारा उस व्यापारी की मजदूर की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपियों को विवेचना के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के करीब शाम को 7 बजे के आसपास, ये घटनाक्रम है सुबह 10-11 बजे के आसपास का, वो घटना के करीब 10 घंटे बाद वो सगोरा परिवार की जो महिला थी वो आके शिकायत करती है कि मेरे साथ काकवानी परिवार के दोनों भाइयों ने झूमा झटकी की, मेरे बाल नोचे, मेरे से लिपट गए। घटना के बारे में जब पता किया तो जानकारी लगी प्राथमिक रूप से कि महिला वहाँ उपस्थित नहीं थी, फिर भी उस महिला की शिकायत पर से हमने बता दिया कि आप जिससे इस तथ्य की जांच कराना चाह रहे हैं करवा दें। तो DSP प्रतिभा शर्मा मैडम है जो हमारे यहाँ महिला DSP सेल प्रभारी, उनको जांच दे दी गई है, बता दिया गया कि उस तथ्य की जांच कर लें, अगर महिला के साथ भी कोई किसी भी तरह की बदतमीजी हुई होगी तो उसमें कार्रवाई करेंगे, झूठी कार्रवाई नहीं करेंगे। इस कारण से वो महिला लगातार पुलिस पर आक्षेप लगा रही है। उसके मैं बता दिया पुनः आपसे कि जो उसका पति उसके विरुद्ध 42 अपराध पंजीबद्ध हैं पुलिस में और वो जिला भर प्रस्तुत किया गया है कलेक्ट्रेट में, और उसका जो लड़का है उसके विरुद्ध 10 अपराध है, वो गुंडा प्रवृत्ति का है, मारपीट का आदि है और पुलिस से भी वो हुज्जत कर रहा था उस समय, उसका भी जिला भर पुलिस ने पेश किया गया है। पुलिस ने जो भी कार्रवाई की तथ्यों के आधार पर की है अभी तक, और भी कोई तथ्य आएगा तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बनी रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार। श्री शक्ति गृह उद्योग उतैली सतना, हमारा लक्ष्य हर बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध कराना है। हमारे यहाँ करीब 200 प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें उपलब्ध हैं। किसी भी जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 7024159599। ISO सर्टिफाइड श्री शक्ति गृह उद्योग यादव धर्म कांटा के पीछे उतैली सतना मध्य प्रदेश।